बीएड पेपर नंबर 5 हेल्थ फिजिकल एंड योगा एजुकेशन. टुडेज अवर टॉपिक इज पर्सनल हाइजीन यूनिट नंबर 2. टुडेज आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा पर्सनल हाइजीन के बारे में, यानी कि जो है व्यक्तिगत जो है स्वच्छता के बारे में टॉपिक रहेगा. बिल्कुल इजी टॉपिक है, बेसिक चीज़ें हैं. ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं इसका मतलब क्या है, कहाँ से ड्राइव हुआ. द वर्ड इज हाइजीन. दिस वर्ड इज कम फ्रॉम माइथोलॉजी, ग्रीक माइथोलॉजी. हाइजिया मीन्स गॉडेस ऑफ हेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य की देवी. ठीक है जी, अब क्या बताते हैं ग्रीक माइथोलॉजी से इस वर्ड को लिया गया. क्या मतलब है इसका, कि अपने आप को स्वच्छ रखना, अपने आप को स्वस्थ रखना. उसके बाद बात करते हैं हाइजीन की. हाइजीन क्या है, साइंस ऑफ प्रिजर्विंग हेल्थ, अपनी हेल्थ को जो है अच्छे से मेंटेन करना, उसको प्रिजर्व करना, उसका ध्यान रखना. ठीक है, दो आस्पेक्ट होते हैं इसके, पर्सनल आस्पेक्ट हो गया और सोशल आस्पेक्ट हो गया. पर्सनल जब हम खुद के बारे में बात करते हैं, अपने शरीर के बारे में, हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, ठीक है, हमारे नेल्स, हमारे आंखें, हमारे बाल, हमारी बॉडी की हाइजीन के बारे में. और सोशल आस्पेक्ट के बारे में हम किसके बारे में बात करते हैं, हमारे जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है उसके बारे में बात करते हैं. ठीक है जी, अब हमारा आज का टॉपिक शुरू करते हैं. ठीक है, हाइजीन का मीनिंग मैंने आपको बताया, हाइजिया से लिया गया है, जिसका क्या मतलब होता है, स्वास्थ्य की देवी, गॉडेस ऑफ हेल्थ. ठीक है, अकॉर्डिंग टू माइथोलॉजी द गॉडेस इज अ सिंबल ऑफ हेल्थ एंड हीलिंग. किसकी देवी हो गई, अच्छे स्वास्थ्य की और हीलिंग की देवी हो गई ये. इट रिप्रेजेंट अ ब्यूटिफुल वुमन होल्डिंग इन हिज हर हैंड अ बाउल एंड अ सर्पेंट. ठीक है, दिस सर्पेंट टेस्टिफाइड द आर्ट ऑफ हीलिंग. जो सर्प है उनका वो क्या करता है, आर्ट ऑफ हीलिंग की जो है उनके अंदर कला है. एंड द सिंबल इज रिटेन इवन टूडे. ठीक है, आज भी इस सिंबल्स को हम लोग जो है मान कर चलते हैं. देखिए, हम सब जानते हैं कि जो है जीवन है हमारा, जीवन के लिए अच्छे स्वास्थ्य जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो स्वास्थ्य के संरक्षण का विज्ञान से कहा गया है, जीवन की गुणवत्ता के रूप में से प्रभाषित किया गया है. देखिए, अगर हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो स्वस्थ शरीर के अंदर ही स्वस्थ मन का निवास होगा. ठीक है, और उसके लिए क्या है, टाइम टू टाइम हमें क्या करना है, पर्सनल हाइजीन के बारे में कॉन्शियस रहना है, अवेयर रहना है. व्यक्तिगत स्वास्थ्य का विज्ञान है, अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखना है. व्यक्ति की सफाई, उसकी जो है पर्सनल, उसकी हाइजीन, उसके बाद एक्सरसाइज हो गया, उसका रेस्ट हो गया, फिर उसकी स्लीप हो गई, देन उसके घर में कैसे इन्वायरमेंट है, किस तरह की एयर है, तो ये सब जो है बातें, इन चीज़ों के ऊपर जो है, इन चीज़ों का हमारे जो है स्वास्थ्य के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है. अब आगे बात करते हैं, हाइजीन मीन्स द साइंस ऑफ प्रिजर्विंग हेल्थ. क्या करती है, हमारी हेल्थ को प्रिजर्व करती है, क्या करती है, देयर आर द टू आस्पेक्ट्स, एज वेल एज फिजिकल करती है और एज वेल एज मेंटल. दोनों टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं. इसके बारे में नॉट ओनली फिजिकल बट आल्सो फिजिकल एंड मेंटल. ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि अगर हमारा फिजिकल अच्छा होगा, हमारा शरीर अच्छा होगा, तो हमारे शरीर अच्छे शरीर के अंदर अच्छे मन का निवास होगा, हमारी सोच है वो भी अच्छी रहेगी. और यदि हमारी बॉडी जो है रेस्टलेस है, स्लीप है, हमें नींद नहीं आती, हम एंग्जाइटी में रहते हैं, हम फटीक रहती है ऑल टाइम, या किसी भी तरह की समस्याओं से झेल रहे हैं, तो क्या होगा, ना तो आप अच्छे स्वास्थ्य के मालिक बन पाएंगे शारीरिक तौर से, और ना ही मानसिक तौर से आपके जो विचार हैं वो भी अच्छे होंगे. तो क्या है, द सब्जेक्ट इमर्स ऑल ऑफ द एजेंसीज ऑफ अफेक्टिंग द फिजिकल एज वेल एज मेंटल वेलबींग ऑफ अ मैन. ठीक है, अब ना बात करते हैं, देयर आर द टू आस्पेक्ट हम लोग लेके चलते हैं. द टू आस्पेक्ट्स आर पर्सनल आस्पेक्ट एंड द सेकेंड वन इज पब्लिक आस्पेक्ट. पर्सनल मीन्स हमारा खुद का, अपनी बात करें, निजी की बात कर रहे हैं. इसमें के अंदर क्या इन्वॉल्व हो जाता है, पर्सनल आस्पेक्ट के अंदर हम लाते हैं कंसिडरेशन ऑफ फूड हो गया, कैसा फूड हम पसंद करते हैं, कैसा फूड हम खाते हैं, वाटर, उसके बाद बिवरेजेस हो गए, देन क्लोथ हो गया, वर्क हो गया, एक्सरसाइज हो गई, स्लीप हो गई, पर्सनल क्लीननेस होगी, स्पेशल आपकी जो है हैबिट्स हो गई और मेंटल हेल्थ हो गई. ठीक है जी, ये हो गया हमारा पर्सनल आस्पेक्ट की, मैं अपने खुद के बारे में बात कर रहा हूँ. देन दिस पब्लिक, जब हम बात करते हैं पब्लिक की, तो या सोशल कह लीजिए या फिर पब्लिक बोल लीजिए, वी कैन से हियर पब्लिक एज वेल एज सोशल, PUB. आप इसको पब्लिक भी बोल सकते हैं, आप सोशल भी बोल सकते हैं. तो पब्लिक एस्पेक्ट में क्या है, डील करते हैं किससे, हमारे जो सराउंडिंग में क्लाइमेट है वो कैसी है, सॉइल कैसी है, उस सॉइल की करेक्टरिस्टिक्स क्या है, मटेरियल कैसा है, उसके बाद मैनेजमेंट है वो किस तरह की है,
हीटिंग कैसी है, वेंटिलेशन किस तरह की है, चिल्ड्रंस हैव नो नेचर इंस्टिंक्ट्स और द क्लीननेस, मतलब जो बच्चे हैं वो कितना ज़्यादा पर्यावरण के लिए अवेयर हैं, कितना क्लीननेस के ऊपर ध्यान देते हैं, द वैल्यू ऑफ थिंग्स क्या है उनके लिए, और बच्चों को जो है ट्रेन किया जाना चाहिए किसके लिए, पर्सनल क्लीनिंग के लिए और जो है पब्लिक क्लीनिंग के लिए भी उनको जो है एट द स्कूल प्लेस में उनको इस चीज़ों के बारे में सिखाया जाना चाहिए। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा पर्सनल और जो है पब्लिक क्लीननेस के बारे में। तो पर्सनल क्लीननेस हो गई, थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं इसको। पर्सनल क्लीननेस की जब मैं बात कर रही हूँ तो हम देखते हैं टीथ को, आइज को, ईयर को, नोज को, हेयर स्किन्स, बाउल्स एंड हेयर्स को, इन सब चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। और फूड एंड ईटिंग की बात करते हैं हम, जो है फूड और ईटिंग हमारा कैसा है, रेस्ट कैसा है, स्लीप कैसी है, हाउ मच रिलैक्सेशन वी हैव, फटीक है, और जो एक्सरसाइज हम कितनी एक्सरसाइज करते हैं एक्सेट्रा, ये जो है हम कितना एक दिन में चीज़ों को मतलब टाइम दे पा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO क्या बोलता है इसके बारे में, हाइजीन रेफर्स करता है कंडीशन एंड द प्रैक्टिसेस दैट हेल्प टू द मेंटेन हेल्थ, हेल्थ को हमने मेंटेन करना है, एंड प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज, और क्या करना है, स्वयं को डिजीज से बचाना है। WHO बोलता है इसके बारे में, उनके विचार हैं कि हमने क्या करना है, अपनी हेल्थ को जो है टू मेंटेन, हमने प्रैक्टिस करनी है अपने अच्छे स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देना है, और अपने आप को इस तरह से कोशिश करनी है कि हम जो डिजीज़ है उससे दूर रह सकें। ठीक है जी, ये हो गया हमारा पर्सनल हेल्थ क्या है, पब्लिक हेल्थ क्या है, गुडनेस क्या है इसकी। ठीक है, ये पूरा का पूरा हमारा बेस हो गया तैयार कि हमने जो है हेल्थ के बारे में क्या क्या लिखना है। अब थोड़ा सा और बात करते हैं, देखिए अब है देयर आर मेनी फैक्टर्स जो हमारी हेल्थ को इफेक्ट करते हैं, बहुत सारे तत्व हैं जो हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं, तो उनमें से क्या हो गया, सबसे पहले फूड लेंगे हम लोग, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक फूड। फूड हो गया फैक्टर, कौन कौन से इफेक्ट करेंगे, नंबर एक फूड, डिपेंड आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसा फूड आप ले रहे हैं, हेल्दी फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, किस तरह का फूड आपको पसंद है, या डेली आप जंक फूड में को पसंद करते हैं, या आपकी डाइट बड़ी बैलेंस है, मतलब आप अपने अपने लिए, अपने हेल्थ के लिए, अपने फ्यूचर के लिए कितने ज़्यादा कॉन्शियस है, ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर, बच्चों के ऊपर कि उनका ग्रोथ पीरियड चल रहा है या अडल्ट है या क्या है, मतलब किस तरह से, तो जो चीज़ की रिक्वायरमेंट है, अगर ग्रोइंग बच्ची हैं तो उनका फूड जो है हेल्दी होना चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स होने चाहिए, फ्रूट्स होने चाहिए, नट्स उसके अंदर होने चाहिए। अगर हम इम्बैलेंस मतलब अच्छा भोजन नहीं करेंगे, बैलेंस डाइट नहीं लेंगे तो क्या होगा, बॉडी की प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं आ जाए होगी और जो है डिजीज आनी शुरू हो जाएंगी। सेकेंड बात करते हैं फूड हो गया, देन फिजिकल एक्सरसाइज, हम सब जानते हैं अपने आप को फिट रखने के लिए एक टाइम की बात यूँ कह लीजिए, स्टार्टिंग चाइल्डहुड से स्टार्टिंग अगर हम करें तो क्या है, फिजिकल एक्सरसाइज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो क्या है, स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, इवन हमारी खुद की लाइफ के अंदर भी फिजिकल जो है शारीरिक व्यायाम जो है इसको बहुत इंपॉर्टेंस देना चाहिए, स्कूल को इसको इन चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए, कॉलेजेस को इन चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए, ताकि जो है खुली हवा के अंदर जो है व्यायाम किया जा सके और हेल्थ एक्सरसाइज को सीखा जा सके। उसके बाद है केयर ऑफ फीट एंड, इसमें हम डिटेल में बात करेंगे, इसकी बात करें फीट की और टीथ की बात कर रहे हैं। अब क्या करना है, हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो एज वेल एज वहीं पर क्या है, हमारे लिए फीट और जो है हमारे जो है हैंड्स है, फीट हो गए, टीथ हो गए, इन सबको क्लीन रखना और जो है टाइम टू टाइम जो है चेकअप अपना कराना, अपनी स्किन को जो है इसका ध्यान रखना, अगर वेदर चेंज हो जाता है तो क्या है क्रीम या फिर मॉइस्चराइज का प्रयोग करना, अपने टीथ को क्लीन करना, दिन में दो बार मॉर्निंग में इवनिंग में ब्रश करना, तो ठीक है जी। तो ये क्या है, उसकी बात करते हैं अपने नेल्स की, अगर जो है हम लोग क्या है फोक या फिर स्पून का प्रयोग नहीं करते तो अपने जो अगर हाथों से खाना खा रहे हैं तो क्या है अपने नेल्स के अंदर जो गंदगी है उसको रिमूव करते रहना चाहिए, उससे क्या होता है बीमारियां फैलने का जो है खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद बात करते हैं स्लीप की, क्या है अपनी बात की है, अगर हम अपने आप को फिजिकल अच्छा रखना चाहते हैं तो क्या है उसके लिए स्लीप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, 7 to 8 hours जो है जैसा भी आपका जो है अपनी बॉडी अलाउ करती है, आपको टाइम आपका शेड्यूल कैसा है उसके अकॉर्डिंग आपको जो है स्लीप करनी चाहिए, नींद करनी चाहिए। उसके लिए क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है वो रिलैक्स हो जाती है और जो है हमें थकान भी महसूस नहीं होती। उसके बाद बात करते हैं इन्वायरमेंट की, अपनी इन्वायरमेंट क्या है, हमारे सराउंडिंग जो भी इन्वायरमेंट है, किस इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं, क्या वो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है, उसका हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है,
ठीक है, तो क्या करना चाहिए, अपने आप कोशिश करनी चाहिए जो है ऐसे एरियाज में हम लोग को अवॉइड करना चाहिए, जाना अवॉइड करना चाहिए जहाँ पर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, फिजिकल हो, सोशल हो या फिर जैविक हो। तो वातावरण में क्या है, प्रकृति कारण बहुत सारे, कैसी जलवायु है, मिट्टी है, मैदान है, पर्वत हैं, झीलें, झरने, नदियाँ, अच्छी अच्छी जगह जो है हमें अपने आप को कोशिश करनी चाहिए कि प्रकृति के नज़दीक जो है स्वयं को रखें, ठीक है। पेड़ पौधे हैं, प्राणी हैं, बैक्टीरिया हैं, इन सब चीज़ों का हमें जो है हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, इन सब का जो है ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं हमारे हेयर की, हम सब आजकल बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है अपने हेयर के लिए, अपने हेयर्स को जो टाइम टू टाइम जो है वॉश करना चाहिए, उसमें ऑयलिंग करनी चाहिए, ठीक है, कोशिश करनी चाहिए कि नेचुरल चीज़ों का प्रयोग किया जाए, और क्या है टाइम टू टाइम जो है उनकी जो है उनको ट्रिमिंग कराते रहना चाहिए। ये सब हम बातें जानते हैं, लेकिन वही टॉपिक के अकॉर्डिंग थोड़ा सा हमें डिटेल में मालूम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद है हमारा व्यवसाय ऑक्यूपेशन कैसा है, देन हमारी हैबिट्स कैसी हैं, हमारी ईटिंग हैबिट्स कैसी हैं, क्या किसी को ईटिंग डिसऑर्डर है, अगर ईटिंग डिसऑर्डर है तो क्या है ओबेसिटी होने का जो है चांसेस या हार्ट डिजीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। देन बात करते हैं बात की और क्लोथिंग की बात करते हैं, वेदर अकॉर्डिंग टू जैसे जैसे वेदर चेंज हो रहा है वैसे वैसे हमें क्लोथ जो है लेनी चाहिए, वैसे वैसे क्लोथ जो है धारण करनी चाहिए, पहननी चाहिए। ज़्यादा जो है टाइट कपड़े जो है यूँ कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करते हैं, बहुत ज़्यादा जो है ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो देर आर सम फैक्टर्स जिनका हमारे लिए इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं थोड़ा सा और देख लेते हैं इसी में मेन एलिमेंट्स क्या है पर्सनल हाइजीन की, क्लीननेस ऑफ बॉडी, सबसे पहले इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए क्लीननेस ऑफ बॉडी होगा, देन केयर ऑफ आइज होगा, अपने आइज़ को टाइम टू टाइम चेक कराते रहना चाहिए, क्लीननेस ऑफ टीथ, डे वन डे के अंदर ट्वाइस टाइम अपने टीथ को क्लीन करते रहना चाहिए, रेगुलरली जो है डेंटिस्ट से कंसल्ट करते रहना चाहिए, देन क्लीननेस ऑफ ईयर, नोज, थ्रोट, इन सब की क्लीननेस, नेल्स हो गए, हैंड्स हो गए, इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन क्लीननेस एंड फिटनेस ऑफ क्लोथ, उसके बाद है फैक्ट हो गया और है चॉइस ऑफ शूज़, बड़ा इंपॉर्टेंट जो है पार्ट होता है चॉइस ऑफ शूज़, समटाइम वी आर वेयरिंग वेरी टाइट शू तो क्या करते हैं हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, तो क्या है अपने शूज़ है, अपने कपड़े हैं, इन सब चीज़ों के लिए जो है बड़े नॉर्मल मूड में ये कि बड़े ध्यान से इनको चूज़ करना चाहिए ताकि हमारी बॉडी को कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। उसके बाद है हमारी थोड़ा सा इसी को हमने डिटेल में बताया गया है वो हमने बात कर ली, अब जो है क्या है इसके बारे में बात करते हैं थोड़ा सा फटीक के बारे में, लोकल मसल फटीक या फिर यूँ कह लीजिए थकावट के बारे में बात करते हैं। थकावट को हमने दो भागों में बांटा हुआ है, ठीक है, क्या होता है जब हम किसी कार्य के अंत व कठिन शारीरिक कार्य करते हुए थक जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं थकावट या फिर फटीक उसको हम बोलते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो हमारी मांसपेशियां हैं उनकी कार्यकुशलता में थोड़ा सा डिफरेंस जो है आ जाता है या फिर अस्थायी अयोग्यता उनके अंदर आ जाती है, एक फिजिकल फटीक हो गई, दूसरा मेंटल फटीक हो गई। फिजिकल में क्या होगा कि जो है आप बहुत ज़्यादा फिजिकल लेबर कर रहे हैं तो आपका शरीर जो है वो थकावट हो जाती है मांसपेशियों में कार्य करने के पश्चात, मतलब जो है थकावट का अनुभव करने लगते हैं, जैसे हम कोई खेल खेलते हैं, टेनिस खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, एनीथिंग कुछ भी हम फिजिकली कर रहे हैं तो क्या होता है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हम जो है थक जाते हैं। फिर बात करते हैं मेंटल फटीक की, तो मानसिक थकावट की बात करते हैं, एक व्यक्ति देखिए जब हम एग्जाम देते हैं तो क्या है हम कई कई घंटे तक लगातार जो है रीडिंग करते हैं, स्टडी करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि लगातार जो है माइंड को जो है काम करना पड़ता है, तो वहाँ पर क्या है मेंटल जो है फटीक होने की संभावना रहती है, बहुत ज़्यादा हम कई बार बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, ये यूँ कहिए कि जो हमने लर्न किया होता है वो भी हमारे माइंड से स्लिप हो जाता है। तो क्या है अपने फिजिकल और मेंटल दोनों जो है चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, तो शारीरिक थकावट और मानसिक थकावट दोनों के सिर्फ बैलेंस बना के रखना चाहिए ताकि जो है कुछ ये चीज़ें, ये जो हमारी स्टडी है, हमारा जो बिजनेस है, हमारी जॉब है, ये सब चीज़ें हमारी जो है हेल्थ को ख़राब नहीं करें, ठीक है जी। तो ये क्या है फटीक के जो है स्थान कौन कौन से हैं, साइट ऑफ फटीक बात करते हैं, यह है तंत्रिका जो तंत्र है मांसपेशियों का जोड़, फिर है मस्कुलर फटीक हो गई और है सेंट्रल नर्वस जिसको बोलते हैं CN फटीक, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की फटीक जो हमारे पास होती हैं।
इससे क्या होता है कि कई बार हमारे जो शरीर का तापमान है वो बढ़ जाता है, थकावट का उपचार करना चाहिए, और जो है इशिमिया जो है नाम कई तरह के जो है जो मांसपेशियों की आपूर्ति का इनके अंदर अभाव हो जाता है, यानी कि मसल्स के अंदर कुछ जो है विटामिन कह लीजिए या फिर किसी पर्टिकुलर चीज़ की कमी हो जाती है। तो क्या है, इन चीज़ों की तरफ जो है ख़ास तौर से ध्यान देना चाहिए। उसके बाद एक और टॉपिक है, इसके बारे में बात करते हैं, नीरसता। नीरसता क्या है, जो एक काम हम कर रहे हैं काफ़ी टाइम से कर रहे हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, हम उसमें जो है हम बड़े बोर होने लग जाते हैं। यूजुअली छोटे बच्चे क्या होते हैं, पढ़ाई करते हुए ज़्यादा बोर होने लगते हैं, ठीक है, या फिर उनका पढ़ने का मन नहीं होता तो क्या है, बोर हो रहे हैं। ये वर्ड जो है बड़ा फेमस है आजकल। तो क्या है, क्या करना चाहिए, थोड़ा टाइम पढ़ाई, थोड़ा टाइम खेल, थोड़ा टाइम कोई वर्क, कोई एक्टिविटी, कुछ भी बच्चों को जो है उनके अंदर जो है बच्चों को लगानी चाहिए, ताकि जो है अपने काम से, अपनी पढ़ाई से, किसी भी चीज़ से वो बोर नहीं हो। तो ये देखते हैं, यह वह अवस्था है जो एक ही क्रिया की बार बार दोहराई तथा प्रशिक्षण की अधिकता के कारण उपस्थित होती है। प्रारंभ में जब खिलाड़ी किसी क्रिया में अपनी कार्यकुशलता उच्च स्तर को प्राप्त कर लेता है, जब हम हाई लेवल को या पीक लेवल पर चले जाते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, हम जो है धीरे धीरे क्या है, थोड़ा डाउन आना शुरू हो जाते हैं। यूँ कह लीजिए कि एक हाई लेवल पर चले गए, उसके बाद जो है हम बोर होना शुरू हो गए, तो इसको नीरसता का नाम दिया जाता है। इसके लक्षण क्या क्या होंगे, लैक ऑफ इंटरेस्ट हो गया किसी भी काम के अंदर, उस पर्टिकुलर काम के अंदर आपका लैक ऑफ इंटरेस्ट हो गया, नीरसता की कमी या रुचि की कमी हो गई, फिर स्लीपलेस हो गई, अनिद्रा हो गई, लॉस वेट हो गया, आपका वेट कंटिन्यूसली लॉस होता चला जा रहा है, देन भूख की कमी हो गई, फिर है आप ऑल टाइम जो है डिस्टर्ब रहते हैं या फिर जो है परेशान रहते हैं, इंक्रीजिंग चिड़चिड़ापन आपको होता चला जा रहा है, फिर है ब्लड प्रेशर आपका बढ़ रहा है। ये कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि हमें हमारे जो है इंटरेस्ट को, हमारी रुचि को, और यूँ कह लीजिए कि निरस्ता को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, एट द एंड हम क्या कहेंगे कि मनुष्य क्या करना चाहिए, खुद की जो है पर्सनल हाइजीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए अपने डे की रूटीन में अपनी एक्सरसाइज को, बैलेंस डाइट को, ठीक है, एक्सरसाइज को बीच में इंक्लूड करें, बैलेंस डाइट को इंक्लूड करें, कोई एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करें, कोई ऐसा इंटरेस्ट, कोई ऐसा ऐसी गेम या कुछ भी ऐसा वर्क, कोई आर्ट वर्क और डांसिंग, कोई म्यूज़िक, कुछ भी ऐसा जो उसके अंदर इंक्लूड करें जिससे कि अपने आप को बोरियत महसूस ना हो, और जो है बॉडी के अंदर वो एनर्जेटिक जो हमारी बॉडी है, और मेंटल एज वेल एज फिजिकल एज वेल एज मेंटल जो है हम एनर्जेटिक बने रहें, ठीक है जी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक पर्सनल हाइजीन के बारे में, रेस्ट ऑफ द पार्ट